अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल, कैसे मिजाज, वेलकम टू माई चैनल सिप स्टूडियो। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि मतलब आपको कुछ मशवरे दूंगा जो मैंने अब तक सीखा है यूट्यूब से, और जो मैंने गलतियां की शुरू में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं जब हम शुरू में नए नए आते हैं। तो अभी चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं हर वीडियो में किसी एक चैनल का लिंक दे दिया करूँगा, तो आप जाके उसको चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं एक नीचे चैनल का लिंक दे दूँगा, मुजफ्फर रफ़ी नाम का चैनल है, तो आप जाके उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर मतलब सपोर्ट कीजिएगा भाई को। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, तो हम यूट्यूबर नहीं बन सकते। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम ये मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखते हैं, इनके पास अच्छे अच्छे कैमरे होते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे कि मतलब अगर आपके पास एक कैमरा है, एक स्मार्टफोन है, क्योंकि आजकल के स्मार्टफोन जितने भी आ रहे हैं उनमें एक अच्छा ही कैमरा होता है, सही, और माइक भी सही होता है, वॉइस क्वालिटी आप थोड़ा तेज़ बोलें तो सही आती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा मोबाइल हो, आपके पास एक अच्छी माइक हो तो ही आप यूट्यूबर बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो दिमाग से निकालना होगा कि एक अच्छा मोबाइल और एक अच्छे माइक वाला बंदा ही या अच्छे कैमरे वाला बंदा ही यूट्यूबर बन सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी स्मार्टफोन है और उसमें कैमरा है तो बस आप शुरू हो जाएं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगर यूट्यूब से अगर अर्निंग आ रही है फिर ही हम यूट्यूब पे इन्वेस्ट करेंगे ना। अब अगर बिना अर्निंग के हम शुरू में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो भी शुरुआत ऐसे ही करते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के दूसरे पॉइंट की तरफ कि अब चैनल बना लेने के बाद मतलब जो सबसे मेन चीज़ होती है वो एडिटिंग होती है, क्योंकि वीडियो बनाओ फिर उसकी एडिटिंग करना एक बहुत मतलब एक लाजमी चीज़ है। तो उसके लिए मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 सॉफ्टवेयर। नंबर 1 जो पहले नंबर पर और बहुत ईजी टू यूज़ है, मतलब थोड़ा वो मुश्किल है लेकिन मतलब सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो काइंड मास्टर है, उसके मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा इसका लोगो। दूसरे नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीवा वीडियो, वो भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, शुरू में मैं उसी पे वीडियो एडिट करता था। और तीसरे नंबर पे पावर डायरेक्टर, वीवा वीडियो और काइंड मास्टर, ये तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं बहुत अच्छे हैं एडिटिंग के लिए। मतलब अगर आप बिल्कुल शुरू में आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीवा वीडियो से शुरू करें, तो वो बिल्कुल इजी है यूज़ करने के लिए, तो आप शुरुआत उसी से करें। फिर आपको काइंड मास्टर और पावर डायरेक्टर ये दोनों मतलब एक जैसे हैं, और फिर काइंड मास्टर बिल्कुल बेस्ट है, अगर आप चाहें तो वो सबसे बेस्ट है। उस पर एडिटिंग करना बहुत ईजी है, मैं भी अपनी हर वीडियो उसी पर एडिट करता हूँ। तो जो गूगल से आप अगर डाउनलोड करेंगे तो बिना लोगों के भी आपको मिल जाएगा, गूगल पे मॉड ऐप लिखेंगे काइंड मास्टर के साथ तो आपको मिल जाएगी। तो मैं बस ये 3 जो सॉफ्टवेयर हैं इससे आप एडिटिंग शुरू करें, मतलब कोई भी आपको लैपटॉप ज़रूरत नहीं, कुछ भी आप मोबाइल पे शूट करें, मोबाइल पे एडिट करें और फिर मोबाइल पे अपलोड करें, तो बहुत इजी प्रोसेस है ये। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले पॉइंट। तो अब आते हैं हम वॉइस क्वालिटी पे। अगर आप चाहें तो मोबाइल का वॉइस भी बहुत अच्छा होता है, मतलब माइक बहुत अच्छे हैं मोबाइल में भी, लेकिन अगर आप चाहें एक एक्स्ट्रा माइक तो daraz.pk पे आप जाके माइक लिखेंगे तो बहुत सारे मतलब 200-300 रुपये की रेंज में आपको एक अच्छा मिल जाएगा माइक, और 200-300 रुपये की रेंज में आपको एक अच्छा माइक मिल जाएगा, और उसके साथ एक अडॉप्टर मिलता है, उसके साथ आप मोबाइल में चला सकते हो। तो वीडियो का जो चौथा पॉइंट है उसमें बात करने वाला हूँ कि वीडियो की स्टेबलाइजेशन के बारे में, कि मोबाइल जब हिलता है तो मतलब जो यूट्यूब पर बंदा देख रहा है उसको एक शेकी मतलब ऐसे दिखेगी वीडियो, मतलब तो मज़ा नहीं आता। तो 400-500 रुपये की रेंज तक आपको एक अच्छा ट्राइपॉड मिल जाएगा, मेरे चैनल पर भी अनबॉक्सिंग पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो मतलब ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये अगर बिल्कुल आपकी वीडियो में 4 से 5 जो मैंने बताए पॉइंट, तो ये अगर आपकी वीडियो में मतलब होंगे, मतलब इन पे आप अगर गौर करें तो मतलब बस यही चीज़ें होती हैं जो दरकार होती हैं वीडियो, एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पे। और बस फिर बनाते जाएँ तकरीबन 80-90 वीडियो, 100 वीडियोज़ के बाद अब अगर आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर बात अलग है, बका आपको एक रोज़ डेली वीडियो, जैसे कि मैं अपलोड नहीं करता लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि डेली वीडियो अपलोड या वीक में 3 वीडियोस तो ज़रूर आनी चाहिए, फिर आप मतलब कर सकते हैं उम्मीद कि आप चैनल आपका ग्रो होगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियोस जितनी होंगी उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं वीडियो चैनल ग्रो करने के। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनानी है और रुकना नहीं है, मतलब लोगों की बातों को बस छोड़ दें और माइक वगैरह को भी छोड़ दें अगर नहीं लेना चाहते। और मतलब ऐसे शुरू में जैसे मैंने वीडियोस बनाई हैं बिना, मैंने मेरे पास भी शुरू में माइक नहीं होता था ना ट्राइपॉड होता था, तो मैंने भी शुरू में ऐसे ही बनाई हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप लें अगर आपको
जैसे कि आप आगे आगे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि चैनल से रिस्पांस आ रहा है, तो आप ये चीज़ें बाय करें और फिर ऐसे ही लगे रहें, इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। तो अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसी वीडियोस आपको रोज़ रोज़ मिलती रहेंगी। और जो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाकर सपोर्ट करें। सारे कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेगी। तो अल्लाह हाफिज़।